हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं सारे घूमने के लिए, जयपुर जा रहे हैं आज हम लोग सारे। तो बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि चलो मम्मी कहीं ना कहीं चलते। और गाइज, यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खाना और पराठे बनाकर लेकर आई थी मैं, पनीर वाले, तो सभी लोग खा रहे हैं। तो डिस्पोजल वगैरह मैं भूल के आ गई घर पे, क्यों जल्दी जल्दी में नहीं बन पाता है सब कुछ। भैया यहाँ की फोटो ले ले, आगे से देख कितना बढ़िया लग रहा है। तो गाइस, पानी भरवाने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। मयूर जग हमारा थोड़ा सा खाली था तो उधर पानी लगा हुआ है पीछे, तो लेने गया। भर रहे पानी? नहीं, बोतल बातल भरनी है तो भर ले, बोतल में पानी नहीं है। है तो सही, बोतल में पानी है, पानी है, पानी इसमें लुका आधा भर दे, लुका आधा अपना ठंडा भर दे, आर ओ मिक्स कर देगा या उसी को। चल फिर चल। और गाइस, हम लोग जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काफ़ी सुना था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को लेकर एक बार दर्शन करके आ जाते हैं। और जो भी घूमने वाली जयपुर में जगह होगी तो वहाँ पे भी घूम लेंगे, और काफ़ी रिश्तेदार वगैरह भी वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर भी एक बार उनसे भी मिल के आ जाएंगे। तो और बच्चों का भी टूर हो जाएगा काफ़ी अच्छे से, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो इसीलिए ये टूर एकदम ही बन गया। कुछ ज़्यादा पहले से ही नहीं मालूम था हम लोगों को, लेकिन बस एकदम बन चुका। तो इसीलिए बच्चे भी काफ़ी दिनों से वैसे बोल रहे थे लेकिन बन नहीं पा रहा था जाने के लिए। और गाइस, लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं वहां पर, जो रिंगर्स मोड़ जो कहते हैं वहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं। पार्किंग के हिसाब से थी, सीधे हाथ पे है पार्किंग। हाँ सामने हाँ, तो और क्या जूते नहीं पहनोगे? जूते दियो भी आ गए। लाली लाली चप्पल खाए, चप्पल और गाइस, लगभग हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में, और गाड़ी हमारी अब लगाएंगे हम लोग इधर से। तो काफ़ी सारी यहां पर भीड़ वगैरह है, और ये देखिए कितनी सारी पार्किंग की जगह भी बहुत ज़्यादा थी यहां पे, और बहुत लोग कहीं पता नहीं कहां कहां से लोग बाग आ रखे थे। तो पार्किंग में अब जगह हम लोगों को मिल चुकी है और हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं। और यहाँ जैसे पार्किंग से ही उतरते हैं ना, तो वैसे ही रिक्शे वाले जो होते हैं वो सारे के सारे मतलब इधर ही बैठे रहते हैं। तो रिक्शा वगैरह लेकर भी अगर लोग बाग जाना चाहें तो वो जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ कम से कम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर लगभग हम लोग पीछे थे, तो वहाँ से कोई भी हो जो अपना रिक्शा वगैरह लेकर जा सकता है। यहाँ से 10-10 रुपये सवारी है यहाँ पर। हम लोगों ने पूछा था लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ पैदल ही गए थे, क्योंकि जब पैदल ही यात्रा ना दो तो कोई इन्जॉय नहीं हो पाता है, क्योंकि रिक्शे वाला तो हमें डायरेक्ट ले जाएगा
और जब पैदल जाएंगे तो हम लोग कम से कम रुक रुक के भी जा सकते हैं और हर चीज़ अच्छी तरह से हम देखभाल कर जा सकते हैं। तो बच्चे लोगों ने भी मना कर दिया था कि मम्मी नहीं हम लोग पैदल ही जाएंगे, तो इसलिए हमने रिक्शे वाले भैया को मना कर दिया। ओके और गाइस लगभग हम लोग आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। और ये जो दरवाज़ा सा आपको दिख रहा है, ये दरवाज़ा मैंने हमेशा पहले टीवी पे ही देखती थी और या फिर इंस्टाग्राम पे लोग जो वीडियो बनाकर डालते थे मैं जब देखती थी, लेकिन आज मैंने ये दरवाज़ा अपनी आंखों से बिल्कुल देखा है, छूकर भी देखा था, क्योंकि और लोग काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे और फिर इन लोगों को देख कर फिर हम लोगों ने भी वीडियोज़ वगैरह बनाई, फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। लाली का हाथ पकड़ बेटा।
चल रहे Thank you.
और गाइस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के सामने और हम लोग अब दर्शन करेंगे और सब लोग आगे दर्शन कर चुके हैं। मैं ही सबसे पीछे रह गई थी क्योंकि हमारी लाइन में ही भीड़ कम थी मेरी वाली लाइन में, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे आराम से दर्शन करती हुई आ रही थी। आप लोग भी कर लीजिए गाइस दर्शन। और यहाँ पर आकर मैंने कैमरे वगैरह बंद कर दिए थे क्योंकि सब लोगों ने बंद कर दिए थे। और यहाँ पर हम लोग दर्शन करके यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं जो पीछे रह गए थे उनका भी। और दरवाजा वगैरह तो वहाँ पे है ना, गेट वो गाइस दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए और बच्चों को भूख भी लगी है तो आगे जाके होटल वगैरह पे खाना पीना खिलाने के बाद तो हम लोग निकल जाएंगे फिर अपने घर के लिए। और हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग भी की है, बच्चों ने की, मैंने भी की है, जो हम लोगों को जो अच्छा लगा हम सब लोगों ने कर ली है शॉपिंग। और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, काफ़ी अच्छी मेहर हुई भगवान जी की। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। अगर आपको ब्लॉग अगर आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।